Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another vlog. We are here in Garam Chashma, Chitral right now. और माउंटेन्स पर हम आजकल काफ़ी ज़्यादा सैर कर रहे हैं. एक नई जगह पर आज हम आए, तो यहाँ के व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है. सो काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस है. तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज यहाँ आकर के. मुझे हमेशा से एक शौक़ था कि माउंटेन्स पर मैं रनिंग करूँ, तो आज इस तरह हुआ कि जो गाड़ी लेके हम आए उसका शॉट लेने के लिए दूर जाना पड़ता है, तो वो भाग के जाना पड़ता है, टाइम इतना ज़्यादा नहीं है. तो इसलिए मैं आज बहुत ज़्यादा भागा हूँ माउंटेन्स पर. और अभी वहाँ से होते हम आए, मैं वहाँ पर खड़ा था, वहाँ से दौड़ के मैं आया हूँ यहाँ तक. और जिस जगह पर अभी हम जा रहे हैं उसके हम काफ़ी करीब हैं, तो यहाँ पर माहौल काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है. आप सुन सकते हैं, सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ आपको सुनाई देगी. और ये जगह काफ़ी एडवेंचरस है, तो रास्ता काफ़ी मुश्किल भी है, लेकिन खूबसूरत बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ मिलते हैं, तो अभी हम आपको दिखाएँगे, ताकि मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह के व्यूज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे. फिलहाल ये चेक करें अभी इतने हाइट पर. और ये रही गाड़ी हमारी. माउंटेन्स में दौड़ने का अपना अलग एक मज़ा होता है, सो एंजॉय इट अ लॉट. अभी देखते हैं आगे क्या क्या देखने को हमें मिलता है. ये चेक करें ये व्यूज़ माउंटेन्स पर, स्नो अभी भी है वहाँ पर भी. तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे. ये मौलाना वो शम्स भाई और हसीब, तो ऊपर हम आ गए, लेकिन हमें जहाँ जाना है वो जगह यहाँ से जाकर फिर इस साइड पे जाना होगा हमें. तो यहाँ से भी हमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलेंगे. हाँ, यहाँ से भी हमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलेंगे. वो रहा गरम चश्मा, वो ऊपर उसके गांव जो होते हैं. और दो दिन पहले शम्स भाई मेरे ख्याल में हम यहाँ गए थे, ये सामने वाली जो जगह है वहाँ हम गए थे दो दिन पहले. उसको मैं कभी शेयर करूंगा आपके साथ, उसके भी वीडियोस मेरे पास है. काफ़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ से आगे भी रास्ता जाता है, आप यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन हमारी जो डेस्टिनी है वो वहाँ पर, वो जो जगह है वहाँ जाके स्टे करेंगे. ऊपर और भी गांव है यहाँ पर, और ये दूसरे गांव हैं. देखें कितना कितनी ज़्यादा आबादी है गरम चश्मा की. और देखें वो जो माउंटेन पर आपको स्नो दिख रहा है ना, उसके नीचे वहाँ पर भी घर हैं. शायद ये मोबाइल में दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर गाड़ी हमने रोक दी है. बोला ना वो सामान वामान ले गया वो सारे में. अच्छा, यहाँ पर पानी मेरे ख्याल में है, पानी का तो कोई मसला नहीं है, पाइप लगा हुआ है और पानी हमें यहाँ पर मिल सकता है. तो माउंटेन्स में आने का एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही वाइब होती है यहाँ पे. तो ये आपको कहाँ मिल सकता है शहर में, ये व्यूज़ एक सुकून है यहाँ पर. वो जो रिवर की आवाज़ आ रही ना, वो भी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बड़ा ही वो मज़ा आ रहा है उसको सुनने में. वो अब ज़्यादा शोर नहीं लग रहा, बड़ा मज़ा आ रहा है उसको सुनने में. तो अभी यहाँ से हम नीचे जाएंगे, नीचे जाके वहाँ से ऊपर से फिर थोड़ा नीचे और जाना, और वहाँ पर वो जगह वो मैं आपको दिखाऊंगा. अगर वो बंदा वहाँ पर हुआ तो और भी ज़बरदस्त बात हो जाएगी. पहली बार आए थे, मैं उस बंदे से मिला था, काफ़ी अच्छा बंदा है. हम वहाँ वो बारबेक्यू करके हम दिखाया और फिर हम वापस चले गए रात के टाइम. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. लेकिन उस टाइम पर क्या था कि ये जो सामने रास्ता दिख रहा है ना आपको माउंटेन, ये वाला, यहाँ से हम सीधे आए थे, मतलब कि चल के ही वो ग्राउंड से सीधा सीधा आके ये माउंटेन्स क्रॉस करके हम यहाँ पहुँचे थे तकरीबन 20 मिनट में. बोला ना 20 मिनट पहुँचे थे हम, तकरीबन 20 मिनट में हम पहुँचे थे चल के. तो डायरेक्ट आते हैं ना आप यहाँ से घूम के आते हैं, गाड़ी से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उस टाइम भी हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया था. रात को भी यहाँ पर कैंपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन एक मसला यहाँ पर ये कि ये बिच्छू वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं.
हाँ बिच्छू ज़्यादा बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको मिलेंगे स्कॉर्पियन आपको, इसलिए अगर आप जब कभी इस जगह पर आएँ तो कोशिश करें कि ये सामने जगह जो ये बंदा जो यहाँ पर रहता है इसके पास जाएँ, वहाँ पर ग्रास है और ट्रीज़ वहाँ पर हैं, तो ये स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन से वो जगह सेफ है, आपको ये धूप से भी प्रोटेक्शन मिलेगी आपको, तो जब कभी भी आएँ तो यहाँ पर खुली जगहों पर स्टे नहीं करना आपने। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, गाड़ी में आने की बजाय ये जो सामने रास्ता आपको दिख रहा है यहाँ से अगर बंदा घोड़े पे आए आराम आराम से बातें करते हुए बड़ा ही ज़बरदस्त लगेगा कि इस तरह के रास्तों पे घोड़ों में आने के ऊपर चढ़ के ना आने से बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वो घोड़े का ना शोर होता है, बस उसके वो टांगों की आवाज़ें होती हैं, वो गपशप लगाते लगाते आ जाओ और ना कोई इर्द गिर्द शोर है, वो पुराने ज़माने की तरह एक वाइब बन जाता है। सो मुझे ये चीज़ काम एक दिन करना और मैं ये ज़रूर करूँगा। बाज़ार में आप लोगों ने बहुत बारबेक्यू खाया होगा, लेकिन यहाँ बैठ के खाने का अलग ही मज़ा है। एक तो ये बहुत अच्छा बना है, ऊपर से ये व्यू ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो एक बंदा रहता है अभी वो नहीं है, और वो यहाँ जो सामने आपको दिख रहा है ये छोटा सा वो घर टाइप बना है, यहाँ पर वो रहता है, अभी वो लॉक है। तो यहाँ पर सेब के दरख्त मेरे ख्याल में और एप्रिकॉट एट्सेट्रा इस तरह के दरख्त यहाँ पर आपको मिलेंगे। मैं अगली बार सोच रहा हूँ कि शाम के टाइम आएंगे और रात को यहाँ रहेंगे, क्योंकि रात को यहाँ इससे भी ज़्यादा मज़ा आता है। जुलाई के महीने में ठंडी हवा और ये सीन आपके सामने अगर है तो और आपको क्या चाहिए। प्रॉपर बंधन है ना, जंगल बनाया है यहाँ पर, पूरा का पूरा जंगल है, कितने सारे ट्रीज़ यहाँ पे हैं। कोशिश करें ट्रीज़ लगाने की, तो पानी तो है, काम तो हो सकता है। और ये बंजर बैरन एरिया इस तरह आबाद भी हो सकता है, तो कोशिश करें अपने इर्द गिर्द जितने ज़्यादा हो सके दरख्त लगाएं और ये गाज वाज लगाएं, जितना हो सके इन्वायरमेंट को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। अगर ये बंदा इतनी हिम्मत कर सकता है कि पहाड़ के इस जगह पर आकर ये इतनी सारी ग्रीनरी यहाँ पर इसने कोशिश करके कामयाब हुआ है लगाने में, तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक पानी भी यहाँ पे हमें मिला है कि ये पानी आता कहाँ से, ऊपर से पाइप लगा के पानी लाए और यहाँ पर वो कुछ स्विमिंग पूल टाइप बना, लेकिन ये मेरे ख्याल में यहाँ पीने के लिए जाता है लोगों के लिए, या नीचे या ये जितना भी बाग बना गार्डन बंदे ने बनाया उसके लिए यहाँ से ही पानी जाता है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है, यहाँ से ऊपर जाओगे तो वहाँ पर भी बड़े ज़बरदस्त व्यूज़ आपको दिखाई देंगे, यहाँ से ऊपर अगर आप आएँ, यहाँ से ऊपर अगर आप आएँ तो सामने ये आपको देखने को मिलता है। What a place, what a view, काफ़ी हाइट पर है यहाँ पर भी, प्रॉपर एक विलेज है। देखो हसीब यहाँ पर खड़े होकर देख रहा है, ये भी काफ़ी खूबसूरत जगह है। और यहाँ से मेरे ख्याल से हम आए थे, हाँ
तकरीबन मुझे लगता है। अजीब हम इधर से आए, हाँ इस साइड से, इस साइड से, इस वाले साइड से आए थे ना। हाँ हाँ, देखो वहाँ से हम आए ये नीचे से, फिर वहाँ राउंड, और फिर यहाँ से आते आते फिर वहाँ से, और ऊपर से आना पड़ता है। वो गाड़ी खड़ी होगी आपको जो दिख रही है वहाँ पर, हमारी गाड़ी खड़ी है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, वो वापस जाते जाते यहाँ पर हमारी नज़र पड़ी, तो अब हम वापस जा रहे हैं। अब हमने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंजॉय किया है, काफ़ी ज़्यादा हमने इंजॉय किया, वो बारबेक्यू हमने खाया और माहौल यहाँ पर। और अभी देखो ये सूरज भी बादलों के पीछे चला गया, उसकी वजह से और भी ज़्यादा फ्रेश हो गया माहौल यहाँ पर। तो जाने का दिल नहीं कर रहा लेकिन जाना पड़ेगा, क्या करें। अगर आप लोग कभी आएँ गर्म चश्मा तो इस तरह के जगहों को विज़िट करें, तभी आप जितने पैसे लगा के आते हैं ना, तो पैसे वसूल वाला सिस्टम है। अगर सिर्फ़ वो गर्म चश्मा आके चले गए वो गर्म पानी के करीब आके, तो वो मतलब कि ठीक है, लेकिन जब तक इन जगहों पे आप नहीं जाएंगे यहाँ आना फजूल है। जैसे आज हम गए इस जगह पर, तो इस तरह की बहुत ज़्यादा जगह मैं एक्सप्लोर करूँगा अगले आने वाले वीडियोज़ में, ताकि जो लोग यहाँ आते हैं उनको एक गाइड मिल जाए कि गर्म चश्मा में असल इन्जॉयमेंट कहाँ पर होती है, कौन कौन सी जगह जहाँ पर हम जा सकते हैं। सो जब भी यहाँ पर आए इस जगह को मिस नहीं करना, और रात को भी आ सकते हैं दिन को भी। 4x4 गाड़ी आपको चाहिए और हाइकिंग से भी आ सकते हैं, 20-30 मिनट का रास्ता है तकरीबन, आपका एडवेंचर भी हो जाएगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस व्लॉग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब to my channel, and till the next vlog, take care.